बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आजकल जो है लाइट चैप्टर पर बेस्ड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, उस पर बेस्ड मैं वीडियोस लगातार अपलोड कर रहा हूं। तो इससे जस्ट पहले के पहले वाली वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो जो भी बच्चे ये वाली वीडियो पहली वाली देख रहे हैं मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसको पहली बारी देखें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे आई बटन पे भी मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां प्रेस करके भी इजिली उस वीडियो पर जा सकते हैं। देखिए आज जो है मैंने पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट गिवन है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, यानी ऑब्जेक्ट को आपने 15 सेंटीमीटर फ्रंट में प्लेस करा है। किसके फ्रंट में, तो कॉन्केव लेंस के फ्रंट में, राइट। यानी कि ये जो 15 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसका जो पावर है वो कितना गिवन है, -10 डी। देखिए कॉन्केव लेंस का जो पावर है वो कितना गिवन है, -10 डी। अगर यहां पर माइनस साइन नहीं भी दिया रहता तभी अगर हम गिवन में लेते तो हम -10 डी ही लेते, क्यों, क्योंकि मैं इजीली बता चुका हूं पहले भी जो कॉन्केव लेंस है इसका जो पावर है वो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, राइट। अब देखिए फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, हमें क्या फाइंड करना है, H2, राइट। अब देखिए H2 फाइंड करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, H2 फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन पता होने के लिए हमें क्या गिवन होना चाहिए, V और U दोनों पता होना चाहिए। हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, V और U दोनों पता होना चाहिए। तो इसका मतलब U तो हमें पता है, हमें क्या निकालना होगा, V, हमें क्या निकालना होगा, V, और V निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और लेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें फोकल लेंथ भी पता होना चाहिए। अब देखिए इस पावर के हेल्प से मैं इजीली फोकल लेंथ पता कर सकता हूं, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/P, तो 1/-10 क्या हो गया, ये मीटर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, -1/10 × 100, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब देखिए इससे मैं क्या पता करने की कोशिश कर रहा हूं, V, ताकि इजीली मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड कर सकूं। -U की वैल्यू क्या है गिवन, -15, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं -15 इक्वल्स टू 1/-10, जो हमें यहां पर पता चल चुका है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस को जो अगर मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/10 - 1/15, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, तो 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 30, तो 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/30, 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = 30, तो V की वैल्यू क्या आ गई, -6 सेंटीमीटर, V की वैल्यू क्या आ गई, -6 सेंटीमीटर। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का फॉर्मूला क्या होता है, V/U, और m मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि m के वैल्यू के हेल्प से ही आप इजीली H2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, -6/U की वैल्यू क्या है, -15, ये माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, इस तरह से m की वैल्यू क्या आ गई, 0.4, m की वैल्यू क्या आ गई, 0.4। अब देखिए m का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2/H1 = 0.4, H2 तो हमें फाइंड करना है और H1 की वैल्यू क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर = 0.4, तो H2 = क्या हो जाएगा, 4 × 0.4 = 1.6 सेंटीमीटर, H2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 सेंटीमीटर। बहुत छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत यूजफुल रही होगी ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार ही देख रहे हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।